नमस्कार, आप देख रहे हैं भट्टू दर्पण न्यूज और मुख्य समाचारों के साथ मैं हूं चीफ एडिटर जय सिंह जालवार। देखिए पूरी रिपोर्ट। गांव डाबी खुर्द में महिला की सोने की कंठी, बाली व मोबाइल छीनने के दोनों आरोपियों को पुलिस ने काबू कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से छीना गया सामान भी बरामद कर लिया। पुलिस को दी शिकायत में डाबी खुर्द निवासी ज्योति पत्नी विकास कुमार ने बताया कि रविवार को वह अपनी दादी के गांव जानड़ा बाकड़ से अकेले ही अपने गांव डाबी खुर्द आ गई। जब वह गांव डाबी खुर्द में बस स्टैंड से उतरकर अपनी ढाणी को जा रही थी तो डाबी खुर्द के वाटरवर्क्स के करीब दो लड़के जो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल पर सवार थे उसके पास आकर रुके और किसी का रास्ता पूछने लगे। उसने कहा कि उसे पता नहीं तो उन मोटरसाइकिल सवार लड़कों में से एक ने उसके गले की कंठी छीन ली, सोने की ताबीज व टोपस भी छीन लिए और मोबाइल छीनकर फरार हो गए, जिस पर भट्टूकला पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 379A 34 IPC के तहत मामला दर्ज किया। और वहीं पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए नाकेबंदी कर उनकी तलाश शुरू की, जिस पर देर रात्रि को पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार दोनों युवकों को भट्टू मंडी के करीब दबोच लिया, जिनकी पहचान मानसिंह निवासी कृष्णा कॉलोनी भट्टूकला व संदीप निवासी सूर्यनगर हिसार के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों युवकों से महिला से छीना हुआ सोने का सामान व मोबाइल बरामद कर आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया। इस मामले में जानकारी देते हुए DSP सुभाष चंद्र ने बताया कि ये ज्योति वाइफ ऑफ विकास नानी डाबी खुर्द के पास जो है अपनी नानी में रहती है, इसने बताया कि कल जो है ये अपनी दादी से मिलकर गांव जनवाड़े से वापस डाबी खुर्द जा रही थी तो पीछे से दो मोटरसाइकिल सवार स्प्लेंडर मोटरसाइकिल सवार आए और उन्होंने जो है इससे एक कंठी सोना, एक मंगलसूत्र, दो बाड़ी और एक मोबाइल छीन कर जो है ना फरार हो गए थे, जिस पर इसकी शिकायत पर थाना भट्टू कला केंद्र अभियोगित किया गया और पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए कल ही इसमें जो दो आरोपी है मानसिंह निवासी कृष्णा कॉलोनी भट्टू मंडी और संदीप निवासी सूर्यनगर शहर, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। और जो ये जो छीना हुआ पूरा सामान जिसमें सोना, एक कंठी, एक मंगलसूत्र, दो बाड़ी, एक मोबाइल, करीब 4.5 तोला सोना जो है, चार सोना और जो मोबाइल तथा इसमें जो घटना में प्रयोग बाइक जो है ना बरामद की गई है और आज इनको पेश अदालत कर। क्या काम करते हैं सर ये पकड़े गए? ये वैसे ही जो है ना अपने कार मजदूरी। गांव खावड़ा खुर्द में जमीनी विवाद को लेकर हवाई फायर करने का मामला प्रकाश में आया है। खावड़ा खुर्द निवासी कृष्ण कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उनके परिवार में दूसरे दादा के पोते वेद प्रकाश ने जमीन बंटवारे को लेकर रविवार देर सायं उसके घर के बाहर 3-4 हवाई फायरिंग कर दिए। उसने बताया कि उसका श्यामला जमीन खाता है, इसी जमीन में वेद प्रकाश का हिस्सा है, वह अपने हिस्से की सभी अलग अलग खेती करते हैं। कुछ समय में वेद प्रकाश जमीन के किलों को लेकर विवाद करता रहता है। रविवार को वह मेरे खेत में मिला और मेरे को कहने लगा कि मैं तेरे हिस्से में आए किले में खेती करूंगा। इसी बात को लेकर उनमें कहासुनी चल रही है। रविवार देर सायं वेद प्रकाश एक अन्य व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसके घर के सामने आया और उसने 3-4 हवाई फायरिंग कर दिए। बाद में वह उसको जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से चला गया। जाते समय उसने गली में भी हवाई फायर किए। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने वेद प्रकाश व अन्य व्यक्ति के खिलाफ धारा 285, 34, 506, 25, 54, 59 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।